अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर। आज मेरा है बिग बस टूर। कुछ ऐसा ख़ास चीज़ें शायद आपको नज़र नहीं आएंगी। ये पूरे शहर का एक टूर है जो कि अलग अलग एरिया से होता हुआ जाएगा। इस वक्त राइट नाउ मैं कोलंबस में हूँ, कोलंबस स्ट्रीट कहलाती है ये। पीछे मेरी चाइना टाउन था और चाइना टाउन स्टेशन नंबर 2 था। मेरा जो हॉस्टल है वो चाइना टाउन पर है, तो इस वजह से मैं चाइना टाउन पर ही बैठ गया हूँ, बजाय इसके कि मैं इतनी दूर जाऊँ और फिशर हार्फ जो इनका पहला स्टेशन है वहाँ बैठूँ, उसके लिए आधा घंटा पैदल चलना पड़ता है। तो बेहतर मैंने यही समझा कि मैं चाइना टाउन से बैठ गया हूँ। तो अब हम थर्ड स्टेशन की तरफ जाएंगे अपने। तो जी ये इस वक्त हम लोग हैं मार्केट लेन के ऊपर। ये सिटी बैंक है, एक जमान आता है हमारे यहाँ भी खुला होता था। सर्कुलर रेलवे चलती है, फिर ये ट्राम नज़र आएंगी आपको, बसेस नज़र आएंगी आपको, उसके अलावा आपको जो है प्रॉपर डबल डेकर ट्रेन भी नज़र आएगी जो एक शहर से दूसरे शहर जाती है, जिससे मैं कल सिलिकॉन वैली से सैन फ्रांसिस्को आया हूँ। मैं गया था VTA से, जिसमें मैं मुख्तलिफ छोटे छोटे सिलिकॉन वैली के जो एरियाज़ हैं वो करते करते आया हूँ, तो मुझे 2.5 घंटे लगे थे पहुँचने में। वापसी में आया हूँ तकरीबन 45 मिनट में। मार्केट से यूनियन स्क्वायर की तरफ जा रहा है। यूनियन स्क्वायर एक बड़ा मशहूर स्क्वायर है, यहाँ पे एप्पल का स्टोर भी है वहाँ पे, और उसके बिल्कुल सामने जो है उसका भी है नॉर्थ फेस वालों का, जो कि कैंपिंग के और हाइकिंग ट्रैकिंग के और समिट करने के इक्विपमेंट्स बनाते हैं। ये देख रही हैं ये ट्राम है बेसिकली। सामने बसेस चल रही हैं, बस ये बस स्टैंड हो रही है यूनियन स्क्वायर की तरफ। मार्केट स्ट्रीट पर आ गए हम लोग, ये सामने आई की अपना सेट हो गया। आईकिया क्योंकि नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, फर्नीचर की दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड है आईकिया। मार्केट से अब हम सिविक सेंटर की तरफ जा रहे हैं। चल रही है
पीछे आपको गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, जैसे कि सब पे चल रहा है और उसका एग्जॉस्ट है करेगा ये थोड़ी देर। उसकी अच्छी बात ये है कि आप यहाँ पे उतर भी सकते हैं और पीछे से हर 15 मिनट का दूसरी बस आती है, आप उस पर चढ़ जाते हैं। सिविक सेंटर प्लाजा है ये, और ये एरिया जहाँ मैं खड़ा हूँ ये सिविक सेंटर कहलाता है। चढ़ाई पे चढ़ रही है, चढ़ाई पे चढ़ते तो ऊपर की तरफ जा रही है। जब आप समंदर की तरफ आते हैं तो आप थोड़ा सा नीचे आते हैं, और जब आप समंदर से दूर होते हैं तो आप थोड़ा ऊंचाई पे चढ़ना शुरू कर देते हैं। अब हम हाई एल्टीट्यूड पर दोबारा जाने की स्टार्ट कर रहे हैं। ये पेट्रोल पंप है, एग्रो पेट्रोल पंप। डिपार्टमेंट था मोटर व्हीकल्स का। कर दिया है इसको, क्योंकि साथ में क्या नॉर्मल बंद हो जाता है, बट मैंने आज काफ़ी चीज़ें करनी थी केबल कार की, नहीं कर सका मैं यहाँ इसकी, लेकिन मैंने बाकी और चीज़ें कर ली थी। ये सामने देखिए ये आखिरी व्यू जो मैं आपको दिखा रहा था ना, मैं वहाँ से आया हूँ उस जगह से। पूरी स्ट्रीट है क्या वो ख़त्म होती है यहाँ पर आके, उसके बाद ये देखें समंदर का खुला एरिया है। आप यहाँ पर आके बैठिए, मैं कल बैठा हुआ था मगरिब तक यहाँ पर, उसके सामने एक गोल्डन ब्रिज नज़र आ रहा है जो बादलों में ढका हुआ है। आज सर्दी इसी वजह से है क्योंकि आज सूरज नहीं निकला और कोहर बहुत है, धुंध बहुत है यहाँ पे आज, तो मुझे नहीं पता था कि आज इतनी सर्दी बढ़ जाएगी यहाँ पे। खैर ये देखिए क्या लिखा हुआ है, चिरार दिल्ली। ये पूरा होटल है और अब हम यहाँ जा रहे हैं, अगर यहाँ पे मिल जाता है तो टिकट, नहीं मिलता जो कि मुझे मुश्किल लग रहा है क्योंकि टिकट ऑफिस बंद हो गया, ये लास्ट ट्रेन निकलेगी इनकी।
एक फ्लिपर कार्ड है मेरे पास, शायद ये चल जाए क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि फ्लिपर कार्ड सपोर्ट करता है। सो लेट मी ट्राई, इसमें $1.50 पड़ेंगे टॉपअप की जगह, अभी ज़्यादा नहीं आ रही है वरना टॉपअप भी करवा देता है इसको डायरेक्ट। बेसिकली ये टूर पर्पज़ के लिए चलती है, 150 साल इसको हो चुके हैं तो अब ये सिर्फ उसके लिए चलती है, लेकिन वैसे ये सवारी वगैरह के लिए इस्तेमाल नहीं होती है। लोग इसी को लाइन में खड़े हैं, लास्ट 8 बजे तक का लास्ट टाइम है हमारे पास जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। ये घुमा रहे हैं इसको, टर्न कर रहे हैं, वो दरवाजे वीडियो में बच सके, नीचे लकड़ी का तख्ता लगा हुआ है जिसको बढ़ा के उन्होंने इसको घुमा दिया, पूरा टर्न कर दिया। अभी हम वापस करके आएंगे और फिर यहाँ से देखते हैं ये कहाँ तक जाती है, उसको कंप्लीट करेंगे और फिर वापस यहाँ पे आएंगे लेबर्ड स्ट्रीट के ऊपर, जो यहाँ से नीचे जा रही है और वो जाएगी नीचे यहाँ से, ये देखें
से भी नीचे जाएगी, वहाँ से भी नीचे जा चुकी है और अब यहाँ से भी नीचे जाएगी। ये डाउन 1 2 3 तो यहाँ पे ये ख़त्म हो गई है, ये लास्ट स्टेशन था हमारा मार्केट के अंदर, और उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी वीडियो। ये नॉर्मली सिर्फ ट्रिप उसके लिए सियाहत के लिए चलती है, लेकिन जगह जगह उतरना हो तो आप उतर भी सकते हैं। $8 ने लिए और इसने तकरीबन 20-25 मिनट घुमाया।